तार पाओ बिका जा
क्षण नाही थाओ।
इस अंधले दीपक दे पौ जल डूबत चिंत करे जीओ
जा तू दे जपी तेरा नाम दरगे बैसन हो गुर मेले प्रणवत नानक पव जल तरे सतगुर मिले प्रणवत नानक पव जल तरे प्रणवत नानक पव जल तरे तू दाता करुणहार करता रे करता
धन गुरु नानक। कोई पिखक पिखिया खाए, कोई राजा रहे असवाए, किसी ही मान किसे अपमान, टाए उसारे तरे ध्यान। तुझते वड्डा नाही कोई, किस वे खाली चंगा हो, मैं तां नाम तेरा आधार, तू दाता करणहार करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह द्वारा उच्चारण किया हुआ ये शब्द इस शब्द में तीन पहलू लेते हैं गुरु नानक पातशाह, और तीनों पहलुओं में केवल और केवल नाम की बड़ियाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस शब्द में क्या, हर शब्द में नाम की बड़ियाई, इस कलयुग में नाम की बड़ियाई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी की एक एक पंक्ति में नाम की ही बड़ियाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भिखक भिखिया खाए, गुरु नानक पातशाह कहते हैं अगर कोई भीख मांग रहा है, भिखारी है, वो इसलिए भिखारी है क्योंकि तुझे भूल गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई राजा रहे समाए, कोई राजा ऐश परस्ती में लगा है, गलत कामों में लगा है, राजा है वो इसलिए ऐश परस्ती में लगा है क्योंकि तुझे भूल गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज राजा है तुझे भूल गया है, कल भिखारी हो जाएगा, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भिखारी को अगर तू याद आ जाएगा, राजा हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पूरे शब्द में भूलने और याद दिलाने की बात है, और आखिर में गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि कर पर याद दिलाने वाला भी तो तू ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस पर तू नजर करता है वो नाम जपता है, जिस पर से नजर हटा लेता है वो नाम जपना बंद कर लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए सबसे बड़ी होती है गुरु की, किसी ने बाबा नानक सिंह जी से सवाल किया था, नितनेम बड़ा कि सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन बड़ा कि सेवा, बाबा नानक सिंह जी से सवाल किया संगत ने, बाबा नानक सिंह जी कहने लगे दोनों ही छोटे, गुरु की नजर बड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो सिमरन पे खुश हो गया तुम्हारे, तो वो सिमरन नजर हो गई उसकी, सिमरन बड़ा। तुम्हारी सेवा पे खुश हो गया, उसकी नजर सेवा पे हो गई, तो तुम्हारी सेवा बड़ी, बड़ी उसकी नजर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी नजर हो जाए श्री हरकिशन साहब जी ने छड़ी रख दी थी सर पर छज्जू झियर के, बोला गूंगा पागल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटी उम्र थी ना गुरु हरकिशन साहब जी की, सवाल कर दिया लोगों ने, बड़े सारे ब्राह्मण पंडित इकट्ठे होकर आ गए, हम नहीं मानते इतनी छोटी उम्र का गुरु हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 7-8 साल की उम्र गुरु हरकिशन साहब जी की, अब सिखों में तो मन में डाउट क्रिएट कर रहे हैं वो, कैसा हो नहीं सकता इतनी छोटी उम्र के गुरु। गुरु हरकिशन साहब जी कहने लगे, छोटी उम्र के बालक, कहने लगे हम कुछ दिखावा करना तो नहीं चाहते, ना ही कुछ किसी को अपना गुरु बताने चाहते कि हम गुरु हैं, पर संगत के मन में शंका ना आ जाए तो इसलिए उन्हें बुलाओ जिन्होंने डाउट किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे क्या प्रमाण चाहिए आपको, तो कहने लगे आप गीता के अर्थ करके बताओ, श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ करके बताओ, तब हम मानेंगे कि आप गुरु हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरकिशन साहब जी कहने लगे हमने अर्थ कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है, आप किसी को भी ले आओ हम उससे गीता के अर्थ करवा देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो इस वक्त मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, कौन से ब्राह्मण थे वो, बहुत बड़े थे, काफ़ी लोगों ने फॉलो करते थे, वो ढूंढ कर लाए एक ऐसा आदमी छज्जू झियर जो बचपन से पागल है, जिसे ना सुनाई देता है ना बोल सकता है, गूंगा भी है बोला भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि इससे कैसे गीता के अर्थ करवाएंगे, जो पागल है जिसे कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में। गुरु हरकिशन साहब जी ने अपने उनके हाथ में एक छोटी सी छड़ी होती थी उसके सर पर रख दी, उसने श्रीमद् भगवत गीता के इतने गहरे अर्थ किए कि सब हैरान हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। बात यहाँ पे चल रही है नाम की, वो चाहे उसकी नदर हो जाए तो हमारा सिमरन क्या और सेवा क्या। प्यार से बोलिया धन गुरु नानक। जिस पे नदर हो जाए, नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिवलाए, उसकी नदर। प्यार से बोलिया धन गुरु नानक। इस सारे शब्द में नाम की बड़ियाई है। कोई भिखारी है तो इसलिए तुझे भूल चुका है, कोई राजा गलत काम कर रहा है इसलिए तुझे भूल चुका है। वेदों शास्त्रों को पढ़कर क्या लाभ अगर उस पर चलना नहीं है, एक एक पंक्ति के जो अर्थ हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, सात संगत जी समझाते थे नाम की वड्याई। कहते थे चिट्ठी लिखी किसी ने, बड़े प्यारे अक्षर चुन चुन कर लिखे, बड़े अच्छे लिफाफे में बंद किए, जाकर पोस्ट ऑफिस में जाकर डाल भी आया। आज के जनरेशन को शायद पता ही ना हो कि पोस्ट ऑफिस क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब फोन वगैरह नहीं होते थे, व्हाट्सएप ये सब, मैं खुद चिट्ठी लिखता रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी नानी मम उसे चिट्ठी लिखवाती थी और मैं पोस्ट ऑफिस में जाके डाल के आता था, वो बना होता था रेड कलर का। बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे चिट्ठी लिखी, बहुत अच्छे लिफाफे में पैक की डाल दी, पर पहुंची नहीं जहां पहुंचनी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता किया भाई पहुंची क्यों नहीं, बहुत समय हो गया। पता किया तो ये पता चला कि चिट्ठी के ऊपर नाम नहीं लिखा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसको भेजनी है उसका नाम नहीं लिखा था। बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे ये है नाम की वड्याई, चाहे सेवा करो, चाहे दान करो, चाहे जो मर्जी करो, अच्छे से अच्छा नेक काम कर लो, पर अगर नाम नहीं है साथ में तो जगह पर पहुंचेगी ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना सेवा जगह पर पहुंचेगी ठिकाने पे, ना दान पुण्य, कोई भी नेक कर्म तब तक कबूल नहीं है जब तक उसके साथ नाम शामिल नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले उठते हो, नाम का एका लग गया, अब जो भी कर्म करोगे उसका 10 गुना 100 गुना 1000 गुना होके फल मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि नाम का एका लग गया। ये है नाम की वड्याई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कह रहे हैं, गुरु नानक पाशा खुद कह रहे हैं, मैं ता नाम तेरा आधार, मैं ता नाम तेरा आधार, तू दाता करण हार करतार, तू दाता करण हार करतार, तू दाता करण हार करतार, तू दाता करण हार करतार। कल ताती ठंडा हर ठंडा
ठांडा हर नाम। प्यास से बोलियो धन गुरु नानक। पाछा वाणी में फरमाते हैं, इस कलयुग की आग में सबके मन जल रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इस आग को शांत करने के लिए केवल एक ही चीज है, नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चंदन चंदन सर्द ऋत मूल न मिटई काम, शीतल थी वह नानका जपंदड़ो हर नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चांद शीतल है पर मन को ठंडा नहीं कर सकता, चंदन चंदन की लकड़ी ठंडी है। जहां पे चंदन का पेड़ होता है सांप लिपटे होते हैं उससे, क्योंकि उनकी जो जहर होता है सांपों का उन्हें परेशान करता है, अंदर आग लगाता है। अपने आप को तपस को मिटाने के लिए जहर की वो चंदन की लकड़ी को लिपट जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वेदों शास्त्रों में इस बात का प्रमाण आता है कि चंदन ठंडा है पर मन की आग को वो भी ठंडा नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चंदन चंद न सर्द ऋतु, सर्द ऋतु हो अति की ठंड हो पर मन के तपस को वो नहीं मिटा सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनके भीतर चिंता है, जिनके भीतर परेशानी है, दुख है, वो इन चीजों से ठंडा नहीं होता। इसको ठंडा कर सकता है केवल और केवल नाम। चंदन चंदन सर्द ऋत मूल न मिटई काम, तिल मात्र भी शांति नहीं मिलेगी इनसे। शीतल थी वह नानका जपंदड़ो हर नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल ताती ठांडा हर नाम, एक नाम है महापुरुषों का, गुरमुख सिंह जी पटियाले वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत गुरमुख सिंह जी पटियाले वाले, ये कनाडा में गए समागम करने के लिए। कनाडा में समागम है, समागम करते जैसे कोई कीर्तन या कीर्तन करता है। थोड़े दिन कीर्तन किया, एक बीबी आई कि हमारे घर में चरण डालो भोजन खाओ, अक्सर लोग करते हैं। ये मान गए जाने के लिए उसके घर में, चले गए उसके घर में, प्रसादा खाया, खाना खाया, सेवा की बहुत अच्छे से उसने। खाना खाने के बाद वो कहती है अरदास करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अक्सर कीर्तनीय या कोई कथावाचक जाता है कहीं पर, प्रचारक, तो खाना खाने के बाद भी अरदास करते हैं। तो कहने लगी मेरे घर के लिए अरदास कर दो। महापुरुष कहने लगे ठीक है कर देते हैं, अक्सर करते हैं। कहने लगे नहीं रुको, मैं लिखा दूं क्या क्या मुझे चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो महापुरुष बड़े हैरान हुए, बड़े लोग कहते हैं अरदास करने के, लिखाता तो कोई नहीं। कहने लगे ठीक है लिखाओ। उसने कागज और पेन दिया कि इस पे लिखो मुझे क्या क्या चाहिए, मैं लिख कर लाया हूँ वो चीज़ें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो लिखा रही है कि सास ससुर मुझे तंग करते हैं, वो तंग ना करें, पहले ये अरदास। दूसरा, पति शराब पीता है, शराब छूट जाए। दो बेटे हैं, कहना नहीं मानते, वो कहने में आ जाए। लड़की अच्छे नंबरों से पास हो जाए। शरीर रोगी है, अरोग हो जाए। पड़ोसी बहुत तंग करता है, वो ना करे। ऐसा लगता है घर में किसी ने कुछ कर दिया है, उससे भी बचाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष हैरान हो गए, पहली बार इतनी लंबी लिस्ट किसी ने बना के दी कि अरदास करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कमाई वाले महापुरुष है संत गुरमुख सिंह जी पटियाले वाले, उन्होंने पेन और कागज रख दिया। कहने लगे बीबी मेरी बात सुन, तू सच में इन सब परेशानियों से बचना चाहती है? कहने लगे हाँ। कहने लगे हाँ बचना चाहती हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ अरदास करने के लिए। तो कहने लगे अरदास ऐसे ही नहीं कबूल हो जाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, अरदास का मतलब होता है समझो हम गुरु के आगे मांगने की, कोई अरदास करते मन में कोई डिमांड है, इसका मतलब होता है चेक डाल रहे हैं बैंक में कैश करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चेक डाल रहे हैं अपने अकाउंट में कैश करने के लिए, पर अकाउंट में अगर पैसा ही ना हो तो कैसे कैश होगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाउंस हो जाएगा। हम कहते हैं गुरु हमारी अरदास नहीं सुनता, अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप बोलोगे हम नाम जपते हैं, निंदा भी तो करते हैं, खाली कर लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ईर्ष्या करते हैं, दूसरे का बुरा सोचते हैं, पता नहीं पूरा दिन कितने पाप करते हैं, और फिर कहते हैं गुरु अरदास नहीं सुनता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकाउंट में बैलेंस होगा तो चेक कैश होगा,
यही बात गुरमुख सिंह जी पटियाली वाले ने कही। कहने लगे, माता अगर तू सच में चाहती है तेरी ये सारी अरदासें पूरी हो तो हमारी एक बात मान ले, फोकी अरदास से बात नहीं बनती, साथ में नाम जप ले फिर अरदास कर, फिर देख अरदास की ताकत। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक, पहले साथ में नाम जप ले। वो कहने लगे, आप बताओ क्या करूँ। कहने लगे, जितनी तेरी डिमांड्स हैं अगर तू सच में पूरा करना चाहती है तो 40 दिन वही वचन जो बाबा ईश्वर सिंह जी ने भाई सुरजन सिंह जी से किए थे कि 40 दिन में 125,000 मूल मंत्र का जाप कर ले अमृत वेले उठ के, 40 माला मूल मंत्र रोज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। असल में बहुत लोग इस पे किंतु परंतु करते हैं, गिनती क्यों, इतनी माला क्यों, गुरु क्या गिन के देता है हमको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये बहुत गहरी बातें हैं, इसको अगर मैं विचार करने बैठ गया तो बहुत बड़ा पहलू है इसका, फिर भी शॉर्ट में थोड़ा बता दे किसी की शंका क्लियर हो जाए। गिनती क्यों जरूरी है, गिनती इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आलसी हैं, हमें लगता है हम बहुत जपते हैं बिना गिने। जिस दिन गिनने लग गए पता लग जाएगा कितना जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सबसे पहली बात। अगर गिनती जरूरी ना होती गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह देते कि नाम जपना पाठ करना, पर ऐसा नहीं कहा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, क्या कहा, 5 वाणियों का पाठ करना, आगे की नहीं गिनती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कम से कम कह दिया ना, ज्यादा से ज्यादा 50 करो आप, पर कम से कम गिनती एक लाइन खींच दी कि 5 कम से कम करने हैं, 5 वाणियों का पाठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग कहते हैं माला क्यों पकड़ते हो, बाणी पढ़ो। भगत कबीर जी कहते हैं भूखे भगत ना कीजिए, ये माला अपनी ली जाए, मैं ये माला छोड़ रहा हूँ भगवान, मुझे भूखे मुझसे भक्ति नहीं होती, पहले भोजन दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माला पकड़ी थी तो कहा ना माला ले ले, बाबा नंदसिंह जी कहते थे ये माला पकड़ाते क्यों है पता है, ताकि छूट जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माला पकड़ने का उद्देश्य है कि एक दिन छूट जाए, जिस दिन हृदय में सिमरना चलना चालू हो गया 24 घंटे फिर इसकी जरूरत नहीं, जब तक नहीं हो रहा तब तक इसकी जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चालीस माला मूल मंत्र सात संगत जी दास गुरु साहब जी की हजूरी में कह रहे हैं वाणी के आश्रय पे, करके देख लो एक बार, एक बार करके देख लो, चमत्कार देखोगे अपने जीवन में कि एक ऐसा भी हो सकता है, जो जो आपने सोचा होगा अपने आप होना शुरू हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये मूल मंत्र की ताकत है। इसी मूल मंत्र ने राष्ट्रपति बना दिया था एक बच्चे को जिसे पढ़ाई दिमाग में नहीं जाती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उसे पता भी नहीं था ये क्या है, किसी के कहने पर जप रहा था। संत गुरुमुख सिंह जी पटियाली वाले कहने लगे, माता 40 माला मूल मंत्र रोज कर ले 40 दिनों तक, गुरु नानक मेहर करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत गुरुमुख सिंह जी पटियाले वाले कहने लगे कि मैं तो ये कह के आ गया वापस इंडिया में, 12 साल बाद कहते मुझे एक फोन आया, सेवादार ने फोन दिया कि कनाडा में एक बीबी का फोन है जिसने आपको लिस्ट बना के दी थी अरदास की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, मैं उसी वक्त याद समझ गया कि वही है, क्योंकि ऐसी कोई औरत आज तक मिली नहीं थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, दिमाग में रह गई थी छाप जिसने लिस्ट बना के दी है ये अरदास है। कहने लगे, मैंने फोन पकड़ लिया बात की, तो कहने लगे सामने से वो इतनी खुशी के आंसू, और वो बोल रही है कि आपने तो कमाल कर दिया, जो मुझे नेम दिया 40 माला मूल मंत्र मैंने किया, मेरे सारे दुख जो लिस्ट बनाई थी खत्म हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते अब तो ये हाल हो गया है, मैं किसी को कह देती हूँ कि तुम भी 40 माला कर लो 40 दिन उठकर, उसके भी दुख दूर हो जाते हैं, लोग मेरे पास आते हैं नाम लेने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं उन्हें कहती हूँ कि मूल मंत्र से जुड़ो। गुरमुख सिंह जी पटियाले वाले कहते थे कि नाम जप कर देखो एक बार तो जप के देख लो, किसी बार अभी छुट्टियां हैं समझो, पूरा दिन खाली है, फालतू काम करने से अच्छा है एक बार जप कर तो देख लो, दिन में ही जप के देख लो। मैं मानता हूँ बिना अभ्यास के अमृत वेले में 40 माला नहीं हो सकती, 40 माला अगर आप पहली बार करने बैठोगे तो कई घंटे लग जाएंगे, पर अभ्यास से गुरु नानक की कृपा से दास ने ऐसे लोगों की संगत की है जो बाबा नंद सिंह जी 2.5 घंटे में, विश्वास किसी को शायद ना हो, बाबा नंद सिंह जी 2.5 घंटे में 200 माला मूल मंत्र कर लेते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये अभ्यास की बात है।
दास ने ऐसे लोगों की संगत की है जो 100 माला 150 माला मूल मंत्र की अमृत वेले में कर लेते हैं। अभ्यास की बात है, प्यार से बोली अदान गुरु नानक। पहले पहले जब श्री जपजी साहब जी का पाठ करे कोई आदमी तो आधा पौना घंटा लग जाता है, बाद में 5 मिनट। प्यार से बोली अदान गुरु नानक। अभ्यास से फास्ट नहीं करना पड़ता, कोई अक्षर छूटता नहीं, प्रॉपर होता है, स्पीड से सुरती से भी होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहते हैं मेरा आसरा मेरी ताकत मेरी ओट एक ही है, क्या वो हमारा बन जाए। मैं ता नाम तेरा आधार, तेरा आधार, मैं नाम तेरा आधार। तू दाता करणहार करतार, तू दाता करणहार करतार, तू दाता तार। मैं नाम तेरा आधार, मैं नाम तेरा आधार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी फरमा रहे हैं, ध्यान से श्रवण कीजिए। क्या पढ़ी है क्या गुणी है, क्या वेद पुराणा सुनी है, ओ क्या पढ़ी है क्या गुणी है, क्या वेद पुराणा सुनी, पढ़े सुने क्या हो जो सहज न मिले आंसू। हर का नाम ना जपस गवारा, हर का नाम ना जपस गवारा, क्या सोचे बारंबारा, क्या सोचे बारंबारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी हम पर टाउंट कर रहे हैं, कहते हैं क्या पढ़ी है क्या गुनी है, क्या पढ़ता है क्या सुनता है बैठकर, क्या वेद पुराना सुनिए, पुराणों की कथा सुनता है, वेद शास्त्र सुनता है, वाणी सुनता है। पढ़ने और सुनने से क्या होगा, पढ़े सुने क्या होई जो सहज न मिलिया सोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर का नाम न जपस गवारा, हमें गवार कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को समझने की कोशिश करना, कोई पढ़ा लिखा आदमी हो बहुत, पर हरकतें उसकी हो अनपढ़ जैसी, हम कहते हैं ना पढ़ा लिखा गवार है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के पढ़ लिख कर सीखा क्या है, इतनी पढ़ाई की है पर हरकतें तेरी गवार हो जैसी। हम अक्सर कहते हैं ये पढ़ा लिखा गवार है, क्यों कहते हैं, वही कबीर जी हमें कह रहे हैं कि सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं पर नाम फिर भी नहीं जप रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज सुनते हैं कि जपेंगे श्वासों के साथ, रोज सुनते हैं कि 40 माला मूल मंत्र 13 माला मूल मंत्र, पर कर नहीं रहे।
तो कबीर जी कहते क्यों झक मार रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्या सोचे बारंबार है, क्या सोचता रहता है, जपता क्यों नहीं। कबीर जी गुस्से से कह रहे हैं एक तरह से, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी हालत पता है कैसी, मुझे यहाँ पे दृष्टांत याद आ गया। एक दुकान है, एक इलाके में एक दुकान है, पिता बैठा है, बेटा भी बैठता है दुकान पे। वहां पे संत आए सत्संग करने के लिए, सत्संग हो रहा है, पिता कहते बेटा मैं सत्संग में जा रहा हूं, तू दुकान संभाल लेना। पिता बेटा कहते ठीक है पिताजी, वो सत्संग पे चला जाता है। रोज यही होता है, कितने दिनों तक सत्संग चल रहा है, शाम के टाइम पिता दुकान बेटे के हवाले करके सत्संग में चला जाता है। बड़ी अच्छी बात है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन कोई ऐसा आदमी आ गया जो कहने लगा पिताजी से बहुत जरूरी काम है, तो ये लड़का सत्संग में पिताजी को लेने चला गया। और पिताजी को ढूंढते हुए उसने थोड़ा सा सक्सेस सुन लिया, सत्संग में संत कह रहे थे भाई दया करनी चाहिए पशुओं पर, गाय को खिलाना चाहिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सब पशुओं को खिलाना चाहिए, गाय की भी सेवा करनी चाहिए। वो सब ये बातें उसने सुनी, पिताजी को लेके गया, पिताजी ने वो आदमी से मिले चले गए। अगले दिन भी ये पिताजी सत्संग पे गए, ये बैठा है दुकान पर, दुकान पर बाहर सामान पड़ा, किराने की दुकान है, गाय आ गई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बाहर गेहूं की गोनी में से गेहूं खा रही है, इसने नहीं हटाया क्योंकि संतों ने कहा था कि गाय की सेवा करनी चाहिए, भूख लगी होगी खाने दो थोड़ा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिताजी सत्संग से आ गए, डंडा लेके पीटना शुरू कर दिया, गाय को भगा दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कहते पिताजी क्या कर रहे हो, कल ही मैंने सुना सत्संग में संत कहते थे गाय को खाने दो, सेवा करनी चाहिए, वो खा रही है गेहूं। वो कह लेगा ऐसे बड़े संत आते हैं सत्संग करने वाले, मैं तो रोज सुनने जाता हूँ, तेरे जैसा बातें मानने लग गया तो बर्बाद हो जाएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मानने के लिए थोड़ा होती है बातें, वो सुनने के लिए होती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रैक्टिकल है, ये ऐसे ही है, हम लोग ऐसे ही सोच के आते हैं, सुनेंगे बड़ा आनंद आता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जैसे वो वैसे हम। और यही बात सुथरे ने भी हमें समझाई थी, भाई सुथरा जी ऐतिहासिक घटना है, सत्संग चालू हरमंदर साहब में, गुरु साहब जी बैठे हैं, संगत बैठी है, हरमंदर साहब में गोल्डन टेम्पल, हरमंदर साहब में सत्संग चालू है, गुरु साहब जी विराजमान है, पर तख बैठी है, संगत बैठी है, सुथरा आता है, भाई सुथरा जोर जोर से संगत को गालियां देने शुरू करता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुरा भला कह के कहना शुरू करता है, संगत गुस्से में आ जाती है कि संगत में आके गालियां दे रहा है ये, इसको तो छोड़ना नहीं है, संगत उसे पकड़ने भागती पर वो भाग जाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ दिनों बाद आता है, संगत पकड़ लेती है उसे, गुरु साहब जी के सामने हाजिर करती है, इसने उस दिन गालियां दी थी, इसे सजा दो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी मुस्कुरा के कहते सुथरे ये क्या कह रहे हैं सब लोग, कहने लगे मैं इनका गुरु हूँ, इन्हें गालियां दूँ जो मर्जी दूँ, मेरी मर्जी। गुरु साहब जी कहने लगे तू कब से इनका गुरु हो गया, कहने लगा मैं ही गुरु हूँ, मैं साबित कर दूंगा। गुरु साहब जी कहने लगे साबित कर, तो संगत से पूछता है मैंने कौन कौन सी गालियां दी थी, सब ने बताया ये बोला था, ये गाली दी थी, ये गाली दी थी। अब सुथरा पूछता है उस वक्त जब मैंने गालियां दी थी शब्द कौन सा चल रहा था कीर्तन में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो कीर्तन या कीर्तन कर रहे थे शब्द कौन सा चल रहा था, गुरु साहब जी कथा कर रहे थे वो प्रकरण कौन सा था, क्या बात कह रहे थे गुरु साहब जी, चुप चुप, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सुथरा पूछता है बताओ गुरु वो जिसकी बात याद रखी जाए या वो जिसकी भूली जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन्हें मेरी गालियां याद है आपके प्रवचन नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी ने सुथरे को गले से लगाया और संगत को समझाया, ये हमें समझा रहा है कि संगत करते कैसे हैं, हम भी बैठे हैं संगत में, जो सुन रहे हैं गुरु नानक मेर करे अंदर बस जाए, उस पर चलें प्रैक्टिकली। रोज ये बात आती है जब तक चलेंगे नहीं पढ़े सुने क्या होई, कबीर जी कह रहे हैं जो सहज न मिलिया सोई, हर का नाम ना जपस गवारा, क्या सोचे बारंबारा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर अमृत वेले उठने के बाद नित्यनेम नहीं बढ़ा, अमृत वेले उठने के बाद हमारा नित्यनेम नहीं बढ़ा, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ी, प्रेम नहीं बढ़ा, गवार हैं हम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
मैं ता नाम तेरा आधार जो दास घटना सुनाने जा रहे हैं सत्संग जी एक जुगती है। देखिए हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसा टाइम आ जाता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। यह शिक्षा है कि उससे बचते कैसे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर पर अचानक कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो उस वक्त क्या करें, क्या करें उस वक्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महाराम सिंह जी का जीवन जिस लिखारी ने लिखा है वो एक घटना लिखता है, बड़ी कमाल की घटना अपनी किताब में। कहता है अंग्रेजों के समय का राज, पार्टीशन से पहले की बात है, बाबा महाराम सिंह जी के समय की अंग्रेजों का राज है। एक ज्वेलरी की दुकान है दो सिंधी भाइयों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दो सिंधी भाइयों की ज्वेलरी की दुकान है, वो सत्संगी भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम भी जपते हैं। अंग्रेज ऑफिसर और उसकी घरवाली कुछ खरीदने आ गए, जेवरात। जेवरात खरीदने लिए बैठे, बहुत समय लगाया। लिखारी लिखता है काफी समय उन्होंने बर्बाद कर दिया, कई घंटे बैठे रहे पर कुछ लिया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दोनों भाई दिखाते रहे पर उन्होंने कुछ नहीं खरीदा। तो छोटे भाई के मुंह से निकल गया, समय व्यर्थ गवा दिया, हमारा कुछ लेना नहीं था तो आए क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंग्रेजों का राज ऑफिसर है, उसे ऐसी बात कह दी, उसे गुस्सा आ गया। कहने लगा मैं जा तो रहा हूं यहां से, तुमने हमारी बेइज्जती की, हमारी मर्जी हम ले या ना ले। बेइज्जती की, मैं जाके तुम्हें दिखाता हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हुआ दूसरी बात और हो गई, जब वो दुकान से बाहर निकलने लगे उसकी घरवाली का पांव कहीं पे अटका बाहर और जमीन पे गिर गई, उसी वक्त उसकी मौत हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घरवाली का पांव अटका, सर पे चोट लगी, वहीं पे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई उसकी घरवाली की। अब अंग्रेज तो पहले ही नाराज था इनके ऊपर, उसने कत्ल का केस इनके ऊपर डाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दोनों भाइयों के ऊपर, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों को जेल में डाल दिया गया, कोर्ट में केस चालू हो गया। और सरकार अंग्रेज की, जज अंग्रेजों के, सुनवाई क्या होनी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फांसी की सजा तय थी कि दोनों को फांसी की सजा जज देगा ही देगा। अब ये दोनों भाई जेल में बैठे हैं, अब समझना बड़ी ध्यान से सुनना। ये दोनों भाई जेल में बैठे हैं, आपस में विचार करते हैं, हमने कत्ल किया नहीं फिर भी हमें सजा हो रही है। सत्संग में तो यही सुना कि बिना कसूर के सजा नहीं मिलती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हो सकता है हमारा कसूर पिछले जन्म का, जिसकी सजा इस जन्म में मिल रही है। आपस में विचार करके कहते हैं कि सुना था कि मुश्किल समय में नितनेम बढ़ा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, मुश्किल समय में नितनेम बढ़ा दो, मुश्किल समय बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इन दोनों भाइयों ने सोचा कि जेल में खाली तो बैठे हैं, काम कोई है नहीं। इन्होंने जपजी साहब जी के पाठ करने शुरू किए। पहले शुरुआत की 21 पाठों से रोज,
25 पाठ, 30 पाठ, अब इनका नेम हो गया 75 पाठ रोज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दोनों भाई 75-75 पाठ श्री जपजी साहब जी के पाठ करके अरदास करते, पातशाह हमारे कर्म काट फांसी से बचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी का आसरा लिया, वाणी का केवल बातें, केवल खाली अरदास थी, नितनेम बढ़ा लिया और क्या हुआ, जज फैसला सुनाने जा रहा है, कलम उठाता है, जैसे ही फांसी की सजा लिखने लगता है हाथ रुक जाता है, एक आवाज आती है उसके कानों में, इन दोनों को छोड़ दे अगर अपने खैर चाहता है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जज हैरान होता है, अंग्रेज जज, बात समझ में नहीं आ रही, फिर से पेन उठाता है, लिखने जाता है, हाथ रुक जाता है, कानों में जोर से आवाज पड़ती है, अपने खैर चाहता है तो तुझे कहा इन दोनों को बाइज्जत बरी कर दे। ये जज की तरफ देख रहे, जज इनकी तरफ देख रहा है, हैरान हो रहा है। जब तीसरी बार मन बना के उसने कलम उठाई कि शायद कोई गलती लग रही है, इतनी जोर से आवाज आई कि उसके हाथ से कलम ही गिर गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने डर के मारे इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाद में जज इनसे पूछता है बाहर जाकर कि मैं तुम्हें फांसी की सजा देना चाहता था, फांसी की सजा ही लिखी थी पर तुम्हें छोड़ना पड़ा, कौन सी शक्ति है तुम्हारे पीछे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लिखारी लिखता है ये कहने लगे जज से कि जब ये 75-75 पाठ करने लगे थे ना जेल में, इनके सामने एक मूर्त आकर प्रकट हो जाती थी जो इनसे कहती, जिसने कहा था कि घबराओ मत तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो कहने लगे हम समझ गए हैं कौन हम वहां जा रहे हैं, अगर तुम दर्शन करना चाहते हो कौन सी शक्ति तो हमारे साथ चलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कौन थे? पूर्ण महापुरुष बाबा महाहरनाम सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्यों होता है साथ संगत जी? अरदास गुरु नानक को करो, अरदास श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को करो, गुरु नानक को करो, तो अपने प्यारे संतों को भेजते हैं काम करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी मर्जी है किससे कौन सा काम कराना है, ड्यूटी लगा दी बाबा महाराम सिंह जी की, उन्होंने बचा लिया। अब वो सीधे पहुंचे बुच्चो साहब बठिंडा स्टेशन की ट्रेन पकड़कर, जज भी साथ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लिखारी लिखता है ये दोनों भाई आए बाबा महाराम सिंह जी के चरणों में गिर पड़े। लिखारी एक और बात लिखता है, कहते हैं ये दोनों सिंधी भाई वहां पर कुछ दिन ठहरे, ना किसी से बात करते थे, सिर्फ नाम जपते थे, इनके पास से जब भी गुजरो आवाज आती थी क्या, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, ये आवाज आती थी। बात को हमने कौन सा पॉइंट लेना है, यहां पर मुसीबत का समय आया तो उन्होंने रोना बिलखना नहीं किया, वकील नहीं पकड़ा, यहां वहां भागदौड़ नहीं की, अपनी किस्मत को नहीं कोसा, नितनेम बढ़ा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नितनेम क्या है? गुरु नानक की बाह। 75-75 श्री जपजी साहब जी के पाठ करने लगे, वाणी अनहोनी को होनी में बदल देती है साधु संगत, जितनी ताकत है वाणी में। सुखमणि साहब जी की वाणी कोई हो आईसीयू में एक्सीडेंट हो जाए, मुझे महापुरुषों ने वचन किए थे सुखमणि साहब जी की वाणी का पहरा लगा दो, एक पाठ कोई करे दूसरा बैठ जाए गुटका लेके, तीसरा जमदूत नहीं आ सकेंगे, पहरा लग गया वाणी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम क्या करते हैं? अफसोस करने चले जाते हैं, वो भी दुनिया उल्टा तंग करने लग जाती है, अफसोस करने से वो ठीक हो जाएगा क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सच में उसकी फिक्र है तो पाठ करो, अरदास करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां जाओ एक सुखमणि साहब जी का पाठ करके आओ जिसकी फिक्र है, या घर में पाठ करो, वाणी ने करना है जो करना है, वाणी की ताकत को पहचानो। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं मेरा आधार नाम है, हमें सिखा रहे हैं कि नाम को आधार बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम तेरा आधार मेरा जो फूल जई है नार, ये आधार बन जाए। आधार किसे कहते हैं? भोजन के बिना मर जाएगा आदमी, नाम के बिना मौत हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखा जीवा विसरे, ये महापुरुषों की अवस्था है, आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखा जीवा विसरे मर जाओ, कि जिस वक्त मैं तुझे भूल जाऊं मेरी मौत हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ पंक्तियां याद आ गई यहां पर पढ़ लें फिर। जिस दिन तू विसरे
निकल जा मेरी जान। जिस दिन तू विसरे निकल जा मेरी जान। स्वासादि माला न सिमरा तेरा नाम। स्वासादि माला न सिमरा मैं तेरा नाम। करो प्रभ मेरे ऐसी जी कृपा करो प्रभ मेरे। ऐसी जी कृपा करो प्रभ मेरे। ऐसी जी कृपा करो प्रभ मेरे। छड़िए जंजालानू बन जाए तेरे। असी बन जाइए तेरे। असी बन जाइए तेरे। जिस दिन तू विसरे निकल जा मेरी जान। जिस दिन तू विसरे निकल जाए मेरी जान। स्वासादि माला न सिमरा मैं माला नन सिमरा मैं सदा। पकड़ो मेरी बाह मैं रुल न जा। पकड़ो मेरी बाह मैं रुल न जावा। कैसे बोलिए धन गुरना। कल मुझे श्री अमृतसर साहब से कॉल आई। एक माता ने गुरु नानक पातशाह के गुरुपुरब के लिए 26,000 श्री जपजी साहब जी के पाठ किए हैं। एक माता ने प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह को गिफ्ट देने के लिए 26,000 श्री जपजी साहब जी के पाठ। क्या गुरु नानक उसकी बात छोड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कोई करोड़ों रुपए दान कर दे इसकी तुलना नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नितनेम गुरु नानक की माँ है कोई इतना नाम जपे गुरु नानक के प्रेम में भीग कर क्या अवस्था होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पकड़ो मेरी बाह रुल न जा। पकड़ो मेरी बाह रुल न जा। सुखा विच पैके तेन भुल ना जावा। सुखा विच पैके तेन भुल ना जावा। 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 चरना नाल जोड़ो हर जे अपना बिरद पशान। चरना नाल अपना
शान स्वासा दे मनन सिमरन तेरा नाम स्वासा दे मनन सिमरन तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम बन जावा बंदा मैं तेरा ते कृपा निधान निधान बन जावा बंदा मैं तेरा कृपा निधान निधान स्वासा दे मनन सिमरन तेरा नाम स्वासा दे मनन सिमरन तेरा टिकट हो हाथ में किसी कुछ नहीं कहता प्यार से बोलिए धन गुरु नानक तंग नहीं करता निकाल नहीं सकता गाड़ी से भवानंद सिंह जी कहते थे नितनेम दरगाह की टिकट है अपने पास रखना जमदूत हाथ नहीं लगाएंगे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक
नितनेम पक्का करो, दृढ़ करो, सिमरन बढ़ाओ, श्रद्धा भावना बढ़ाओ, बाहर जाकर विहार शुद्ध करो। अगर यहाँ पे विनम्रता से चलते हैं, बाहर भी विनम्रता से चलें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।